अब कहानी टाइटैनिक के साथ साथ टाइटन जो पनडुब्बी थी, जो टाइटैनिक का मलबा जो समुद्र तल पे पड़ा है 13,000 फीट के नीचे पर, उसके बारे में है। किसमें किस तरह से ये नीचे गई और किस तरह से ये सारी घटना घटी है, और आखिर क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये सब मामला घटा है। अगर देखेंगे जिस तरह से इसका जो बनाने का जो तरीका था और जो जो सामान इसमें इस्तेमाल किया गया था, जब टाइटन जो सबमरीन थी जो अपने एक मदर शिप के संपर्क में थी, अब जब वो नीचे जाती है तो कुछ देर के बाद उसका संपर्क टूट जाता था, जिसमें 5 आदमी थे। एक चालक दल था और उसके अलावा 4 सवारी थी, या वो लोग थे जिन्होंने टिकट लिया था। उसमें से खुद वो मालिक भी थे जिन्होंने इस सबमरीन की जो कंपनी है इसको इसके मतलब CEO थे। अब नीचे जाने के बाद आप जैसे जानते हैं कि जब जैसे हम नीचे जाते हैं समुद्र में या पानी के नीचे जाते हैं, तो वाटर प्रेशर क्रिएट होते जाता है। अब आप देखेंगे जिस तरह से सबमरीन 13,000 या उससे नीचे चली गई, तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो प्रेशर है अंदर में तो नॉर्मल प्रेशर है। अगर आप देखेंगे जिसमें वो लोग जिस कैप्सूल जैसी जो आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है ना, ये कैप्सूल जैसा दिखने वाला सबमरीन जो है, अंदर तो एक नॉर्मल प्रेशर है और बाहर की तरफ उसकी जो सरफेस थी उस पर प्रेशर क्रिएट होता चला गया। आप मानेंगे कि 13,000 के आसपास इतना प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अचानक ही वो प्रेशर झेल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गई। ये मानो कि मिली सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो गया और टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया। उसी के साथ जो संपर्क था वो संपर्क टूट जाता है, और वो जाके जितने भी लोग थे, 5 लोग थे, वो मौत का शिकार हो जाते हैं या इसमें शहीद।